सर रिवर्स में देखते हैं, एक कॉलर ने हमें साजिद और हसन की तरफ लीड किया, फिर हमारे सामने ये दो चेहरे आए जिन्होंने हमें इस फुटेज की तरफ लीड किया, जिसने हमें स्कूल की तरफ लीड किया, यानी कि हर जगह हमें लीड किया जा रहा है। अब तक सभी इस थ्योरी पर सोल थे कि कोई केस ही नहीं है, कोई गेम खेल रहा है। अब थ्योरी ये है, नहीं केस तो है लेकिन स्कूल बॉम्बिंग का नहीं पर कुछ और, राइट? सर शायद दीपा जी राइट है, मतलब आप भी राइट हो। वो कहावत है ना, जो गधे के सामने गाजर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम गधे हैं पर स्कूल गाजर ज़रूर है सर। सेकेंड स्कैनिंग भी क्लीन है सर, नो बॉम्ब, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला सर। बंदों का प्लान कुछ और ही मालूम है। शायद आप लोगों ने मेरी बात को थोड़ा फाफेज ले लिया। 3 साल पहले हमारी यूनिट को एक खबर मिली थी कि एक स्कूल पर अटैक होने वाला है। चंद्रपुर में, जब तुम मैक्सिमम में थी। राइट सर, हमारा ट्राइबल खबरी नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग था और जैसे ही हमारी यूनिट को खबर मिली कि स्कूल पर अटैक होने वाला है तो राकेश सीधे स्कूल की तरफ गए, अपनी टीम से वो रास्ते में मिलने वाले थे। लेकिन जब तक मैं बैकअप यूनिट लेकर वहाँ पहुँची, पता चला कि स्कूल पर कोई अटैक हुआ ही नहीं है और 15 मिनट बाद एम्बुश की खबर आई। राकेश और उनकी टीम शहीद हो गए थे। तुम अपनी पुरानी पर्सनल ट्रेजेडी आज के इस फॉल्स अलार्म से कैसे जोड़ रही हो यार? सॉरी, कड़ियाँ जुड़ नहीं रही है, दूर दूर तक नहीं। सिर्फ पर्सनल ट्रेजेडी नहीं हुई थी उस दिन, हमने काबिल ऑफिसर्स और जवान खोए थे। मैं बात कुछ और कर रही हूँ। थैंक यू। तुम क्या कह रही थी? ये साजिद और हसन हमें गलत डायरेक्शन की तरफ लीड कर रहे हैं, हमारा ध्यान बटाना चाहते हैं। ये टारगेट वन यानी कि स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देना चाहते हैं ताकि हम उस तरफ जाएं और हमला टारगेट टू पर हो, या हो सकता है टारगेट थ्री भी हो। 26/11 पर लियोपोल्ड कैफे पर जब हमला हुआ था तो सारी न्यूज़, मीडिया, अटेंशन सब उस तरफ फोकस हो गई थी। तब ताज पर हमला हुआ था और उसके बाद ओबरॉय, वीटी स्टेशन, हमारी क्रैक टीम सब पर हमला हुआ था। नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं समझ सकता हूँ कि हम बाहर से आए दो क्रिमिनल्स को चेस कर रहे हैं जिन्हें हमें 1031 में स्पॉट किया और आइडेंटिफाई किया, पर उसके परे क्या हम ये महासाजिश और ये महातबाही का बवाल तो खड़ा नहीं कर रहे हैं? नहीं शरद सर, बवाल का तो सवाल ही नहीं उठता। अजमल कसाब और बाकी बंदों के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं था। यहाँ कम से कम पार्टी पहचानी तो गई है। अब वो आतंकवादी है या छोटे क्रिमिनल्स, ये तभी पता चलेगा जब बंदे हाथ आएंगे। तब तक खतरा तो बना है।